हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। रीट एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए, जिनका एग्जाम 25 अप्रैल को ही होगा, तो इस तैयारी के लिए आप बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, ये मुझे पता है। टेस्ट सीरीज जो है यूनिट वाइज चल रही है, उससे मुझे पता लगता है कि किसकी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है। तो वो बच्चे जो कि ये कमेंट करते हैं कि क्या अब हम तैयारी कर सकते हैं, तो देखिए, ये आपके अंदर होना चाहिए कि आप 2 महीने में रीट की तैयारी जो है वो पूरी कैसे करेंगे। ठीक है, 2 महीना या उससे भी थोड़ा सा कम ही टाइम आपके लिए बचाए। अब जानिए कि आप कैसे तैयारी करोगे। मैं लेवल 2 SST के जो बच्चे हैं उनकी बात कर रही हूं। अब आपको 150 में से 115 या 100+ मार्क्स जो है वो कैसे लेकर आ सकते हो। सबसे पहले आप बहुत ही ध्यान से इस बात को सुनिए, जो बच्चे क्वेश्चन आंसर सीरीज जो है वो कर चुके हैं या RBSE की बुक जो है वो 1 या 2 बार पढ़ चुके हैं, तो वो तो अपनी तैयारी जो है वो रिविजन करिए। ठीक है, इसके अलावा जो लोग नहीं कर पाए हैं या फिर जिनको किसी भी कारणवश परिस्थिति वश उनको मौका नहीं मिला है पढ़ने का, तो वो देखिए, वो लर्न विद इतिमन में प्लेलिस्ट जो है वो आपकी डाली जा चुकी है, जहां पर आपको क्या मिलेगा, क्वेश्चन आंसर सीरीज मिलेगी, वो भी RBSE के पैटर्न पर। RBSE के हर एक चैप्टर को वहां पर डिटेल में बताया गया, आपको बुक पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, और जो नए बच्चे हैं उनको भी मैं बताना चाहती हूँ कि आपको इसके बाद बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आंसर सीरीज आप 6th से लेकर 10th क्लास की कंप्लीट करिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी की। ज्योग्राफी जो कि बस समाप्ति पर ही है। इसके अलावा यहाँ तो आपको देखिए, क्वेश्चन आंसर सीरीज आप करेंगे तो वहां 60 मार्क्स के लिए तैयारी जो है वो आपकी हो जाती है। ठीक है, और जो भी चैप्टर्स रह गए हैं वो भी मैं आपको करवा दूंगी, जो कि बाद में सिलेबस में नए ऐड हुए थे। ठीक है, तो वो चीज आप तक पहुंचा दी जाएगी। इसके अलावा 25 मार्क्स की जो शिक्षण से संबंधित है वो भी मैं आपको डेली प्रैक्टिस के माध्यम से आपको करवाया है मैंने, तो वह भी प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई है। हिंदी शिक्षण के नाम से है और दूसरी सामाजिक शिक्षण के नाम से है। ठीक है, इसके अलावा आपके 30 मार्क्स जो हैं वो साइकोलॉजी के कैसे आएंगे। ठीक है, तो इस पर भी हम बात करेंगे। केवल 15 दिन में साइकोलॉजी जो है वो कैसे तैयार की जाएगी वो भी हम करेंगे। बीच बीच में मैं आपके यूनिट टेस्ट जो है वो भी लेती रहूंगी, जिससे कि आपका साइकोलॉजी का यूनिट वाइज टेस्ट जो है वो भी कंप्लीट होगा और आपके ये 30 मार्क्स भी आपको मिलेंगे। यदि आप देखें तो 60 मार्क्स आपकी SST और 30 मार्क्स साइकोलॉजी और 25 मार्क्स जो हैं जो कि शिक्षण से संबंधित हैं, हिंदी और सामाजिक शिक्षण से, तो इन सबको मिलाते हैं तो आपके 115 मार्क्स की तैयारी जो है वो हो जाती है। ठीक है, क्योंकि आप लोग अब तैयारी कर रहे हैं, अब आपके पास टाइम जो है वो कम है, तो यदि आप इस अपनी लगन से फुल स्पीड से यदि कार्य करेंगे तब भी आप अपने मुकाम तक पहुंच पाएंगे। तो यही मेरी आप लोगों के लिए शुभकामना है कि आप अपनी तैयारी जो है अब भी स्टार्ट कर दीजिए। बच्चे जो है वो काफी टाइम से पहले से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर सीरीज जो है वो भी बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होगी। तो इसी तरीके से आप भी तैयारी में जुट जाइए। लर्न विद इतिमन में प्लेलिस्ट में क्वेश्चन आंसर सीरीज जो है उनको आप पढ़िए, रेगुलर पढ़िए आप, और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़िए। ठीक है, SST पढ़िए, शिक्षण की जो भी वीडियोस डाले जा चुके हैं हिंदी के और सामाजिक के, उनको भी आप देखिए, तो इस तरीके से आपकी तैयारी जो है वो होगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं इसी तरीके से। थैंक यू।